रहे हैं जीटीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है झारखंड से, जहां रेलवे के एडीजी अनिल पल्टा टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां स्टेशन परिसर के निरीक्षण के बाद रेल थाना का उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं रेल एसपी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के साथ रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा एवं पुराने मामले को अविलंब निपटारा करने का आदेश भी दिया। क्राइम तो होता है, और बैग लिफ्टिंग, मोबाइल लिफ्टिंग, तो हम लोग ट्राई करते हैं हर एक को डिटेक्ट करने का, और जो पुराने बड़े बड़े केसेस हैं रेलवे के, उसको रिव्यू करके और उनको हम सही रास्ते पे ला रहे हैं। जो पुराने पेंडिंग है उनको हम लोग ध्यान से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप किस लेवल पर हैं सर, अनुसंधान जो हो रहा है पुलिस में क्राइम को पकड़ने के लिए और नियंत्रण करने के लिए, ये सही है कि और स्पीड अप करना चाहिए? देखिए, स्पीड अप तो होना चाहिए, लेकिन हम लोग काफ़ी उसको प्रोफेशनली और साइंटिफिकली कर रहे हैं। अब जितने इन्वेस्टिगेशन जी, एक तो सर यहाँ जो पहले से जिला पुलिस वगैरह में रहता था कि जो उग्रवाद एरिया है नहीं जी, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, गवर्नमेंट से कनेक्टेड अभी मुझे जानकारी नहीं है। जैसे ऑफिसरों का, जैसे आप पता कि बताए हुए यहाँ पे, जैसे ऑफिसरों के लिए क्लब, तो वहाँ पर जो संख्या में रहते हैं लोग थोड़ा और बड़ा होता तो? हाँ देखिए, क्लब तो इनका प्राइवेट बिल्डिंग है ना, वो तो एसोसिएशन अपने फंड से क्रिएट करते हैं, पर ऑफिस में सुधार की तो बहुत आवश्यकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नया आप आने के बाद में पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए आप कैसे? देखिए, मैं तो जितने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, इन्वेस्टिगेशंस को साइंटिफिक बनाना, और पुराने केसेस को कंप्लीट करना, और क्राइम को रोकना, सही डिटेक्शन करना, किसी इनोसेंट को नहीं फंसाना। लास्ट सर, कि जैसे रेल पुलिस और आरपीएफ मिलकर क्राइम को कंट्रोल कर रही है यहाँ, लेकिन कई फाउंडेशन के लेवल पे ऐसा आता है कि आरपीएफ एक एक दिन या दो दो दिन बाद रेल पुलिस को इंटीमेशन देती है और एफआईआर दर्ज करने में काफी कॉम्प्लिकेशन होता है। देखिए, जनरली यहाँ पे आप आरपीएफ से पूछेंगे, कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं, झारखंड पुलिस काफ़ी झारखंड पुलिस करती है। हाँ, लेकिन बट उनके लेवल से कई दफ़े आते हैं तो एसएसपी सर लोग भी फेस करते हैं कई चीज़ों को। नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं कि काम बाधित नहीं, थोड़े बहुत जो भी इश्यूज आते हैं तो रिजॉल्व हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी सर, और ये बॉर्डर एरिया चूँकि झारखंड से बंगाल और उड़ीसा सब जुड़ा हुआ है, जो चकदरपुर डिवीजन में आता है, इस एरिया में खासकर सीमावर्ती इलाकों में चूँकि नक्सली एरियाज भी हैं काफ़ी, तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए टीटीएन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।